नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फायर सेफ्टी एकेडमी में। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है हैजर्ड एंड रिस्क। इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज हैजर्ड, हैजर्ड किसे कहते हैं, व्हाट इज रिस्क, रिस्क किसे कहते हैं और डिफरेंस बिटवीन हैजर्ड एंड रिस्क, हैजर्ड और रिस्क में डिफरेंस क्या होता है। दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जो देखने में तो बहुत छोटा है, बट बहुत ज़्यादा लोग इस टॉपिक को लेकर कन्फ्यूज रहते हैं। हैजर्ड और रिस्क में डिफरेंस निकालना बहुत ही मुश्किल होता है कुछ लोगों के लिए, तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हैजर्ड एंड रिस्क में डिफरेंस क्या क्या होता है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हैजर्ड इज डिफाइंड एज, हैजर्ड किसे कहते हैं, एनीथिंग दैट हैज द पोटेंशियल टू काज हार्म, इंजरी, डैमेज टू द प्रॉपर्टी एंड एनवायरमेंट। दोस्तों, हैजर्ड को हिंदी में बोलते हैं खतरा, ऐसा कुछ भी जिसमें नुकसान पहुंचाने की, चोट पहुंचाने की, संपत्ति या पर्यावरण को क्षति पहुंचाने की क्षमता हो, उसे हम हैजर्ड कहते हैं। दोस्तों, आपके घर में या आपके वर्क प्लेस में कहीं भी ऐसा कुछ भी जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, आपको चोट लग सकती है, जिससे प्रॉपर्टी को क्षति पहुंचा सकती है, आसपास के एनवायरमेंट को क्षति पहुंचा सकती है, उसे हैजर्ड कहते हैं। एक दूसरा डेफिनेशन देख लेते हैं। Hazard is a condition that can cause injury or death, damage to or loss of equipment or property, or environmental harm. एक ऐसी स्थिति जो चोट या मृत्यु का कारण, उपकरण या संपत्ति को नुकसान या पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकती है, उसे hazard कहते हैं। अब इसके कुछ example देख लेते हैं दोस्तों। जैसे electricity, chemicals, working up a ladder, नॉइज, मशीनरी, स्ट्रेस एक्सेट्रा। इलेक्ट्रिसिटी एक हैजर्ड है दोस्तों। इससे हमें, अगर हम किसी नंगे तार को पकड़ लेते हैं तो वहाँ पे हमें करंट लगने का खतरा रहता है। केमिकल्स भी एक खतरा है दोस्तों। अगर केमिकल हैंडलिंग करते टाइम सावधानी नहीं बरती गई तो वहाँ पे भी केमिकल हमें नुकसान पहुँचा सकता है। वर्किंग अप ए लेडर, लेडर के ऊपर काम करना भी एक खतरा है। नॉइज, आवाज, बहुत ज़्यादा आवाज अगर आपके वर्क प्लेस पे है तो वो भी एक खतरा है। कोई भी मशीनरी, मूविंग मशीनरी तो चल रही है, वो भी आपके लिए खतरा है। स्ट्रेस, अगर आपके वर्क प्लेस पे तनाव है, काम के दबाव के कारण तनाव है, तो वो भी एक हैजर्ड है। अब आगे चलिए देखते हैं रिस्क। अब देख लेते हैं रिस्क किसे कहते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इंजरी आर लॉस अकरिंग फ्रॉम द हैजर्ड, खतरे से होने वाली किसी चोट या हानि की संभावना को रिस्क कहते हैं। चलिए आगे एक और डेफिनेशन देखते हैं हम रिस्क की। अ रिस्क इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द हैजर्डस इवेंट अकरिंग एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द इवेंट, घटना के होने की संभावना तथा उस घटना के परिणामों के कॉम्बिनेशन को रिस्क बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी एंड कॉन्सिक्वेंसेज इज इक्वल टू रिस्क। जैसा आपको पहले मैंने बताया दोस्तों कि रिस्क जो है वो किसी भी खतरनाक इवेंट, किसी भी घटना के होने की संभावना और उस घटना से जो परिणाम होने वाले हैं, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को रिस्क कहते हैं। एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसे ये हैजर्ड है, इसके होने की संभावना और इसके परिणाम, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा उसे रिस्क कहते हैं। ये देखते हैं हैजर्ड वर्सेस रिस्क। हैजर्ड और रिस्क में क्या अंतर है। हैजर्ड एंड रिस्क, लैडर हैजर्ड है, लैडर पर चढ़ते समय या काम करते समय गिरना रिस्क है। प्लेन एक हैजर्ड है, और प्लेन को तूफान में उड़ाना और क्रैश होना एक रिस्क है। हैमर एक हैजर्ड है, पर इसका उपयोग करते समय खुद को नुकसान पहुंचाना, खुद को चोट पहुंचाना एक रिस्क है। केमिकल एक हैजर्ड है, पर इसकी हैंडलिंग करते समय नुकसान पहुंचाने का रिस्क रहता है। इलेक्ट्रिसिटी एक हैजर्ड है, पर किसी कटे वायर से या फिर किसी खराब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से शॉक लगना, बर्न होना रिस्क है। वर्क एट हाइट हैजर्ड है, ऊंचाई पर काम करना हैजर्ड है, ऊंचाई पर काम करते समय नीचे गिरना ये रिस्क है। अब आइए एक पिक्चर के माध्यम से समझते हैं। जैसे किसी समुद्र में सार्क है, तो सार्क एक हैजर्ड है, पर अगर आप उस समुद्र में तैरने के लिए चले जाते हैं तो वहाँ पे आपके लिए रिस्क हो जाएगा, सार्क आपको नुकसान पहुँचा सकती है।
वैसे ही लाइटनिंग, बिजली कड़कना एक हैजर्ड है, पर कड़कती बिजली में पेड़ के नीचे खड़े होना वो रिस्क है कि बिजली आपके ऊपर गिर सकती है। आज के लिए इतना ही। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। आगे आने वाली वीडियो से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और फायर सेफ्टी से जुड़े दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।